guys, so now I'm gonna react on school life part 2 of round 2 hell. But before I start, hello everyone, I'm Manali Naik and welcome to my channel, Rakhne Wali Mona. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. सुन लो मेरी बात, अब हो गया, अपने 12 अप करेंगे पूरे मजे. और ये सुन ले, तो संजय से कद्दू डरे है, मेरा मुंह बाहर दो संजय. नहीं बाहर है संजय, तो सबसे पहले ये तुम मान नहीं रहे. किसको मारेंगे? किसको लसी देंगे? किसका मुंह फाड़ेंगे? हम किसको मारेंगे? किसका मुंह फाड़ेंगे? किसकी नाल फाड़ेंगे? बात है, वसीम क्यों डर रहा है इससे? तू 12th हो गया अपना कंप्लीट, अब क्या कर लेगा ये? संजय के अब्बा से भी ना डर है, सही है? हाँ तू देखते हैं इसे सामने से हट जा, 12th पास कर लिया इस बार. संजय ये गुस्सा किसी और को दिखाइए, अब यहाँ नहीं चलने का. मैथ क्लास पास कर लिया है, कोई हाथ नहीं उठाता. इतना सा टच नहीं करता तू. अरे 9th पास कर तो पहले साले नौकरी वाली कर है. आई क्लास में जाके आखिरी दिन आखिरी दिन. ओ शिट, मतलब 9th में ही रहेगा अभी तक. अबे साले यहाँ मोबाइल चला गया संजय ने, और स्कोर बढ़ दिया. और कर के रहे मोबाइल में तू? अरे बस ही एक ही ऐप चलाता हूँ, रैप का नाम है गवाही ऐप. अबे बसी पूरे दिन लड़कियों की वीडियो देखता हूँ, इसके कुछ फनी फनी वीडियो डालती है. और ये देख इसके कुछ गजब फिल्टर. काम नहीं है पापा, दवाई है. मेरे सोमवार में कितना टेंशन है तुम मालूम क्या? दवाई है. अभी ये तो बहुत बढ़िया ऐप है यार, अभी डाउनलोड करता हूँ. और बेटे कवाई के कॉइन से तुम पैसे भी कमा सकते हो. सही में ये तो सोने का सुहागा है. अभी डाउनलोड कर. बिल्कुल करता हूँ, ले अभी ले डाउनलोड. क्लास में चल. अरे सर हमसे ना आता कुछ, प्रेयर आती ना प्रार्थना आती. अबे कुछ तो आता होगा, वो ही सुना दियो. मेरी रूह का परिंदा फल फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए. मैं की करो और क्या सर, बेसाब लोंडे छेड़ी गुप्ता जी के ऑर्डर पे मैं जा रही हूँ, मुझे बर्गर की चैन. वो तो मैं शरीफ लोंडा. ले साहब यहीं खड़े रहिए, बातों करो बड़ा करके. कौन सी फुटबॉल एले
बोलना चल गया तू कहा ये मास्टर कह दिया यार छोड़ इसके सामने बहुत बेइज्जती होगी फेल कर देगी लखनऊ को एक काम कर इससे पूछ तू क्वेश्चन जैसे प्रॉपर पूछा ना अपनी क्लास की ऐसा पूछ सर एक क्वेश्चन पूछना था हाँ बेटे पूछ सर चिड़िया उड़ी उसने सर खाना खाया और खाना खाने के बाद मृत्यु उसके हुआ पेट में दर्द उसने दवा ववा ली किसी डॉक्टर से और दवा लेने के बाद सर वो फिर से उड़ गई और उड़ने के बाद अपने घर पहुंच के खाना खा के सो गई इसे सर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो क्या बेटे फ्लाई The words. Very easy question. बेटे तू तो पानी में बहुत easy question है ये. The words. बेटे तुमने date भी डाल लेके date डाल दो. चालू chapter. The words. Fly. काय काय बोलता था इसमें. चोरी चला. ये बोल रहा है. What? कल ठीक हो जाएगा. कल मैं बताऊंगा आपको. ठीक है. इधर क्यों चल लिया अपनी चुड़िया द वर्ड्स बहुत अच्छी थी चुड़िया बहुत बढ़िया थी चुड़िया बहुत अच्छी फ्लाई कर रही थी चुड़िया बेटे ऐसा है चौक खत्म हो गया कल पड़ा अरे सर ये हाथ में हैगा तो जिंदा चौक कौन मुझे तू नहीं दिख रहा कौन बेहतर मोटा पानी बता दो द वर्ड्स वेरी गुड बेटे क्यों परेशान कर रहा चलिए चली गई वो अपने घर खाना खा लिया सो गई वो बेजवान जानवरों को क्यों परेशान कर रहा हूँ आई बोल रहा हूँ बेचारे लोग भी बोल सही कह रहे हो सर आप बहुत सही कह रहे हो अबे तू छेड़ लिया भैया उसे सो रही है चिड़िया उसे सोने दे क्यों परेशान कर रहा है जानवर से प्यार ना दीजिए मैं दूसरा पूछ लूं सर ट्रेन बड़ी तेज जा रही थी उसने हवा में ऐसा तीर फेंका और वो ट्रेन उड़ गई बेटे टाइम ना चलो अरे सर अभी तो 15 मिनट बचे हैं मास्टर है ये बता के अब भी नहीं गया मेरा हलक सूख गया साला पानी पी गया मेरा बैग का ध्यान रखिए मैं मेरा बैग टांग दिया नहीं तो हां स्टडी होता था ना स्कूल में ओ नो ये बैग किसी और के बैग से रख करना बहुत अच्छा काम कर रहा है यार तू एक सेल्फी मिलेगी तुम्हारे साथ तो सफाई अभियान में काम दे दे आपके इस मेहनत को लगन को देखते हुए सरकार ने आपको एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर की है नाजिम अब मैं स्कूल नहीं आऊंगा मेरी टीसी कटवा ले वहां से मेरा नाम कटवा मेरी सरकारी नौकरी लग गई है तो कर ले अरे मेरा कद्दू कराए ट्रस्ट सरकारी नौकरी लग गई तो सफाई कर्मचारी मैं क्यों करूं मौसम हो जाएगा रोज लो आगे भी कोर्स मिलेगी तू टेंशन ले रहा है तेरी जॉब लग जाएगी हां सरकारी मैं मेरी झाड़ू वो बड़ी है और सर्टिफिकेट अलग से मिलाऊंगा अरे कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हो बेटे मेरे पास ट्यूशन में कितने पढ़ रहे हो तू काम कर लूंडा भी फेल हो इतने सारे ट्यूशन लगवा लो फेल कर दूंगा एक एक सवाल करे ये ऐसा होता था इक्वल टू चार करेक्ट आंसर तो इतने सही दे दिया लेकिन परेशान कैसे करूं जो ट्यूशन पढ़े मेरे पास ओह दूसरा कर दूसरा सर मेरा तो 77 आया
77? ये 77 किस बाबली कांड का है? तू तो ट्यूशन पढ़ता ना मेरे पास। हाँ सर। तो बिल्कुल ठीक है बेटा तेरा आंसर। ओए शक्कर। तू बढ़िया पढ़ रहा है, टॉपर है तू, और तू साले पढ़ाई पे ध्यान दे ले। 77 लिखो तो। 77। ये 77 कैसे आए हैं? ट्यूशन पढ़े सर से ही मारिया। एक सवाल और करो तुम सब, सही है? सात के लिए मेरे पास, उसमें से दो मैंने खा लिए, कितने बचे? तीन के लिए, ढाई, पांच के लिए बचे सर। हाँ सर, यार बेटा तू गलत है, तू ट्यूशन पढ़ा हमारे पास, सब सही आ जाएंगे तेरा आंसर, बिल्कुल गलत। तू बताइए बेटा तू। अच्छा सर मैं एक मिनट सर, सर दो प्लेट बिरयानी, थोड़ी सी लाल वाली चटनी बची। बहुत सही जवाब बेटा तेरा, बहुत ही सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी की बातों पर ध्यान रख दिए, बहुत बढ़िया आज तो भी गुजर गया। अब लिखो, दो प्लेट बिरयानी लाल चटनी। अरे सर इस सवाल में बिरयानी कहां से आ गई? हां सर बात ट्यूशन पड़ेगा ना, तो नहारी कोरमा जर्दा बिरयानी लीमा भाया सब आएगा, आंसर में सब आएगा। संजय सर बाप रे, ये दिन भर मारते रहते हैं शायद। तो इसके पहले मैंने पार्ट वन पे रिएक्ट कर दिया था, वो भी मजेदार था, और मुझे पता था आप मेरे पार्ट टू का इंतजार कर रहे हो, तो फिर मैं जल्दी से आ गई पार्ट टू का रिएक्शन लेके, एंड ये भी धमाकेदार था। जैसे हिस्ट्री के सर हर क्लास के बाद रोते कि आज आखिरी क्लास था, ये मुझे पता नहीं था, मुझे लिटरली लगा भी इनकी स्कूल लाइफ खत्म होगी तो पार्ट टू में ये लोग दिखाएंगे क्या, सब लोग तो बाहर निकल गए स्कूल के बाहर, ये स्कूल लाइफ खत्म, ये अब तो संजय से मैं ये नहीं डरूंगा, उसका मुंह फोड़ दूंगा, उसकी ये कर दूंगा, उसका मारेंगे, किसको मारेंगे? संजय को। किसका मुंह फोड़ेंगे? संजय का। मारेंगे संजय को। एंड संजय सर इस देहरा सामने खड़े, नारन नारन नारन, उसको देख के बाकी के सब तो भाग गए, अभी वहां पे बचा कौन? नाजिम और वसीम। तो फिर वो दोनों भी बोलने लगे, देखो सर हमारी 12th खत्म हो गई है, अब हम आपसे डरते नहीं, आपके अब्बा से भी नहीं डरते, हम नहीं डरते हम आपके अब्बा से। तो संजय सर ने उनको क्लियर कर दिया कि ये तुम्हारे हिस्ट्री के सर की वजह से हो रहा है, हर क्लास के बाद रोता है, हर क्लास के बाद बोलता है अभी स्कूल की लाइफ खत्म हो गई, इसे तुमको लग रहा है खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई है। ए धड़
ए धड़ ए धड़ 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 वो गेट के ऊपर निकल टंग धड़। संजय सर इज ऑसम, संजय सर इज माई फेवरेट। मुझे किसी ने तो कमेंट में बोला था कि पार्ट टू में आपको पता चल जाएगा कि संजय सर का कौन सा सब्जेक्ट है, पर मुझे नहीं पता चला, नहीं दिखा सर संजय सर का कौन सा सब्जेक्ट है पार्ट टू में भी। आई एम वेटिंग कि कौन सा सब्जेक्ट सिखा रहे हैं संजय सर एक्चुअली। और अब ये इतने बड़े बच्चे, टीचर से भी बड़े हाइट वाले बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, उनको बोला गया कि प्रेयर है, उनको प्रेयर का मतलब नहीं पता। प्रेयर मतलब क्या? लंच। आई वॉज लाइक प्रेयर मतलब लंच, सोच रही है प्रार्थना, प्रार्थना नीचे जाने के बाद गाना गाते बोल मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। और एक्चुअल में बैकग्राउंड में उनके दोस्त लोग ऐसे फड़फड़ाते हैं, मतलब ये गाने के टाइम पे देखा आप लोगों ने, आपने नोटिस किया होगा, तो फुल एक 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 करके वसीम, नाजिम, जैन सब लोग गाना गाते हैं और लास्ट में सिर्फ बचता है नाजिम, जिसको संजय सर पकड़ते ए धड़ फुल ना उड़ी पुड़ी मार के बिनती पे वॉल पे ऐसे धड़ ए धड़। मैं तो बोल रही हूँ अक्षय कुमार के मूवी में भी अक्षय कुमार इतना मारता नहीं होगा, वो चोर उचक के होते उनको भी पुलिस इतनी मारती नहीं होगी जितना इनको मारा जा रहा है पिक्चर स्कूल के स्टूडेंट्स को। इतना ज्यादा ए धड़ वो मजा आ रहा है देखने में, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर प्रिंसिपल सर उसको फुल ऐसे ऐसे करके पैसे वैसे दे रहे उसको। फिर इंग्लिश के टीचर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंशन, और एग्जाम्पल बेचारे अच्छे से दे रहे थे, इनको राधा के बारे में पूछा, ये लोग एक्चुअल में पागल है, ऐसे बच्चे नाइन्थ स्टैंडर्ड तक भी कैसे पहुंचे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सिर्फ प्रिंसिपल सर ने ये ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कि जैन बाहर फुटबॉल खेल रहा है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंशन में करो। नाजिम ऐसे कैसे फुटबॉल खेल रहा है, वो कैसे खेल सकता है फुटबॉल, हम सबको छोड़ के वो कैसे खेल सकता है, ये सब बाजू में छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ बाहर। बाहर जाने के बाद ए उसको बेचारे को वापस मार पड़ती है, मतलब मुझे वो इसलिए बेचारा लगता है जैन क्योंकि ऐसे बेचारा खड़ा है, उसको पनिशमेंट मिली फिर भी धार धार उसको कौन मार रहा है, तो नाजिम भी मार रहा है, फिर टीचर आने के बाद टीचर अलग से इन दोनों को मारती है अंदर भेज देती। इतने पागल स्टूडेंट्स मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे, जिंदगी में कभी नहीं देते देखे, दे आर इनसेन। अब ऐसा होता है ना कि क्लास में बैठे बैठे कि अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर को कि, और फिर ना क्लास में उनकी अलग छाप होती है, अरे वो बड़ा होशियार है वो बार बार क्वेश्चन पूछता है ऐसे वैसे, टीचर भी सोचते हैं अरे कितना होशियार है ये लोग, तो कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, मतलब बाकियों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको ही समझ में आ रहा है क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है। तो खुद को होशियार दिखाने के लिए जैन ने आप सवाल पूछा, चिड़िया खाना खा रही थी, चिड़िया के पेट में प्रॉब्लम हो गया, चिड़िया खाना खा रही थी फिर वो कहीं पे निकल गई, फिर उसके पेट में प्रॉब्लम हो गया, फिर उसने डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने दवाई दी, फिर वो घर आके सो गई, खाना खा के सो गई। अभी इसको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था इंग्लिश के टीचर को। इंग्लिश टीचर द वर्ड्स बर्ड्स होता है, द वर्ड्स लिख रहा है, फिर खुद चालू चैप्टर ऐसे खुद के हाथ से उसने डेट है ना पहुंच दिया, और फिर अरे डेट ही नहीं लिखा, अरे ब्लैक बोर्ड काम ही नहीं कर रहा, फिर स्टूडेंट ने आके ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाया, अरे काम कर रहा है करके, फिर उसको पता चला यार ये साइड का काम कर रहा है, बोला फिर चौकी खत्म हो गया, खा लेता है वो चॉकलेट लिटरली। फिर वो बोल देता है कि काय को वो बेचारे चिड़िया को जो जानवर बात भी नहीं कर सकते उनके बारे में तुम लोग ऐसा बोल रहे हो नहीं, और फिर बेचारे पूरा क्लास भी ना एकदम ही इमोशनल हो जाता है कि हाँ क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, पागल पत्ती से भरा हुआ क्लास है। फिर जैन सोचते चल मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रेन चल रही थी फिर उड़ गई, क्या क्या कुछ तो सवाल था उसका, गया ना टीचर भाग के 15 मिनट पहले भाग गया, ये टैक्ट उल्टा बड़ा अच्छा है, वो आया दिमाग खाने लगा कि सर मेरे पास एक सवाल है और भगा देने का उसको। सही था। चलो जैन ने यहाँ पे काम दिया था नाजिम को कि मेरे बैग का ख्याल रखना, ये भी स्कूल में नॉर्मली होता है कि किसी और की बैग उठा के वो बेंच पोछना वगैरह ऐसा नहीं क्या, तो वसीम ने उसकी बैग उठा के पोछ दिया अपना डेस्क, उसके बाद जो जैन ने किया That was crazy, oh my God. पूरा वो स्टेयर्स, पूरा वो कॉरिडोर, सब कुछ बेंच बेंच सब कुछ साफ किया, किसी किसी के मुंह भी साफ किए, फिर वो रस्ते पे चला गया, फिर रस्ते पे उसने रास्ता भी साफ किया, डिवाइडर गट्टू लोगों की गाड़ियां, पैसे भी मिले उसको, उसको स्वच्छ भारत अभियान की वजह से उसको जॉब भी मिल गया, झाड़ू भी दे दिया उसने। नाजिम को फोन करके बोला कि मैं नहीं आने वाला अभी स्कूल को, हाँ मेरे को जॉब मिल गई, तो बेचारा नासिम समझा के लेके जाता है उसको कि अरे अंदर चल 12वीं पास करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, वो भी चला जाता है एकदम बेचारा सा लगता है मुझे, एकदम मासूम सा वो चला जाता है, हाँ पर अच्छी नौकरी मिली थी मुझे, फिर वो समझाता है मिलेगी मिलेगी तुझे अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी, वो बोलता नहीं मेरे को अच्छा झाड़ू वाला ही अच्छा था।
क्रेजी यार, क्रेजी पागलपंती से भरा हुआ वीडियो। अब आता है मैथ्स का टीचर, और ऐसे टीचर भी होते हैं स्कूल के अंदर जो अपने ट्यूशन में पढ़े उनको ज्यादा मार्क्स देना, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देना, उनको ज्यादा भाव देना, और फिर बाकी लोगों को फोर्स करना कि मेरे पास ट्यूशन में आओ, मेरे पास ट्यूशन लगाओ वगैरह वगैरह, ऐसे टीचर्स भी होते। तो इसने भी सेम जेन इनके ट्यूशन में तो 2+2=4 एक्चुअल में होता है, पर जैन को मिला 77 आंसर। तो जैन किसके ट्यूशन में है? मैथ्स टीचर के ट्यूशन में। और तू बड़ा सही बोल रहा है, ये बड़ा सही बोल रहा है, इससे जो बोला वही सही है करके। अभी 7 केले थे उसमें से 2 खा लिए, बचे कितने? तो बेचारा एक हुशार आंसर बता भी रहा था कि 5 बचे, तो नहीं, जैन ने जो बोला कि 2 बिरयानी की प्लेट और लाल चटनी बची। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंटेंट्स पूछा था केलों के बारे में, बिरयानी कहाँ से आ गई? That was hilarious. That was like सबसे खतरनाक वाला जोक वही था। Oh God. और 8a² + b² के बारे में भी पूछा, तो ये बोल रहा मैं ईद पे कुर्ता सिलवाऊंगा, बिल्कुल सही जवाब। अरे कुर्ता कहाँ से आया, क्या कहाँ से आया? तो उसकी सीधी धमकी होती थी, तू मेरे पास ट्यूशन लगा फिर ही देख क्या करता हूँ। तो उसके बेचारे के पॉकेट में पेन था जिसको कैप नहीं था। संजय सर कैप नहीं है, संजय सर को भी मारने का इतना शौक, सब छोड़ के भाग के आया वो, और ए डन पूरा उसको ना सर आपटने का बड़ा शौक है, सर ऐसे बैंग करता है वो, था सबके सबके, टीचर को भी नहीं छोड़ा, प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा, पेरेंट एक पूछताछ करने आया कि मेरे बच्चे का कैसा चालू है, क्या ठीक से कर रहा है ना वो पढ़ाई वगैरह, उसको भी मारा। प्रिंसिपल सर बेचारा ऐसे ऐसे करके दे रहा था, उसको तो पैसे भी लिए, उसको भी मारा। बचा हुआ था इंग्लिश का टीचर, उसको भगा भगा के मारा। दे आर इनसेन मैन, दे आर इनसेन। आई जस्ट लव्ड दिस वीडियो, आई सिंपली लव दिस वीडियो। और वो गोल्डन प्ले बटन का उन्होंने एंड में डाला, आई एम रियली हैप्पी। आई नो ये वीडियो 2 साल पुरानी है, वो और आगे कहाँ से कहाँ तक चले गए, बट दूसरों की खुशी में खुश होना का मजा ही कुछ और है। सो आई रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड आई जस्ट लव दिस थिंग। सो दिस वॉज माई रिएक्शन ऑन द वीडियो स्कूल लाइफ पार्ट 2। पार्ट 3 पे भी रिएक्शन चाहिए मुझे, कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। मैं आती हूँ रोज वीडियोस के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं आले छा, बाय।